हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऐसे छोटे छोटे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिनके बारे में हम नॉर्मली सोचते हैं कि हमें पता है, और नॉर्मली उनके मीनिंग देखकर हमें लगता है कि ये टॉपिक हमें आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज है, जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है या CDP के अकॉर्डिंग, हमें उनका मीनिंग नहीं समझ आता। तो इसके लिए एक बार हमें रीड आउट ज़रूर करना पड़ेगा और हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान, अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अटेंशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो ध्यान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अटेंशन, किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पर चेतना, चेतना का मीनिंग क्या है कि कॉन्शियस कौन। अब इस पहले तो इसका मीनिंग समझो आप। सबसे पहले क्या है कि कॉन्शियस चेतना, वो हमारा जो प्रेजेंट में दिमाग, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जो होती है, जो प्रेजेंट होती है, जिस टाइम हम जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस टाइम जब हमारा माइंड एक्टिव होता है तो हम उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो उसने, अब इसमें देखो, किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करने, फोकस करने, कॉन्शियसनेस करने को ध्यान बोला गया है। इसमें डमविल है एक साइकोलॉजिस्ट, उसने बताया कि इसकी सबसे पहले किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर कॉन्शियसनेस, चेतना का केंद्रीयकरण ध्यान है। अगर मान लो हमारे सामने कोई भी दो चार कोई भी वस्तु है, या कुछ दो या चार कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, तो हमारा ध्यान, जो कॉन्शियसनेस है हमारी, वो सबसे पहले जिस एक्टिविटी पर, जिस वस्तु पर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अटेंशन, ध्यान बोलेंगे। इसमें चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है। सभी को पता है कि जो कॉन्शियस कोई भी इंसान है कि कॉन्शियसनेस तो सब में होती है, जो एट प्रेजेंट अपने माइंड को यूज करता है। तो इसमें ध्यान है, ध्यान को के कुछ टाइप बताए गए हैं, जिसमें मुख्य दो ही हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक। इसमें है विचरित अविचरित, मतलब अपनी मर्जी से हम जो ध्यान, एक तो अपनी मर्जी से चाहते हैं हम ध्यान करते हैं, एक ऑटोमेटिक जब जाता है। अनैच्छिक में ना चाहते हुए भी, कई बार क्या होता है कि अपने आप हमारा किसी वस्तु पर ध्यान जाता है, अटेंशन जाती है, और कई बार हमें करना ज़रूरी होता है। बार बार जैसे टीचर क्लास में बोलते हैं कि अटेंशन प्लीज, तो मतलब क्या है कि वो ना चाहते हुए भी उनको ध्यान देना पड़ता है। तो जो अटेंशन है, अटेंशन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उसमें क्या है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक पढ़ेंगे सबसे पहले हम। आंतरिक कारक में क्या है कि रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लक्ष्य, अगर हमारा कोई लक्ष्य या टारगेट है, तभी अपने अंदर से एक ध्यान की, अटेंशन की फीलिंग आती है। जिज्ञासा, अगर क्यूरियोसिटी होगी तो अपने आप ही ध्यान होगा, एक आदत बन जाती है। वंशानुक्रम, हेडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। प्रशिक्षण, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसमें ट्रेनिंग ली जाती है। और आवश्यकता, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी उसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है, अनावश्यक चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अब बाह्य कारक क्या है कि गति, गति का मतलब क्या है कि मान लो छोटा सा एग्जांपल लेके चलो, आप टीवी में ही है, टीवी में अगर कोई भी चीज़ हमें दिखाई जा रही है तो एक मोशन में दिखाई जाती है, बिल्कुल जब हम स्पीड में चलते हैं तो वो हमें कम समझ में आती है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। अवधि, समय भी, अगर कोई भी छोटी सी मूवी की तरफ लगा लो, एग्जाम्पल लेके चलो, कोई छोटी मूवी है तो हम बिल्कुल अच्छे ध्यान से देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबी होती है हम बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। उसकी स्थिति, किस स्थिति पर हम अपने ध्यान को, अटेंशन मतलब कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। मान लो एक टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में ही है, अगर उस क्लास के चारों तरफ शोर शराबा है, एनवायरनमेंट नहीं है, तो ध्यान बहुत कम होगा, ध्यान नहीं जाएगा बच्चे का। तो इसमें स्थिति कैसी होनी चाहिए। विषमता, विषमता का क्या है कि बच्चा
पढ़ना चाहता है हिंदी, उसको पढ़ाई जा रही है इंग्लिश, पढ़ना चाहता है CDP, पढ़ाया जा रहा है उसको मैथ, तो उसमें विषमता के कारण भी ध्यान नहीं हो पाता। नेक्स्ट है नवीनता। नवीनता का क्या मतलब है कि अगर नए नए टॉपिक आते हैं तो उसकी तरफ ध्यान जाता है बच्चे का। क्लास में अगर टीचर बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट करवाता है तो बच्चे का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि बच्चा बार बार समझता है ये तो हमने कर रखा है। उसकी प्रकृति कैसी है कि किस टाइप का हमें टॉपिक करवाया जा रहा है, हमसे रिलेटेड है या नहीं, तभी उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। आकार, आकार में वही है कि अवधि, अगर छोटा है तो जल्दी समझ में आता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, अगर बड़ा है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। उसका स्वरूप प्रकृति के जैसा है कि बच्चे के लेवल का है या नहीं है। अब 2 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को, 5th क्लास में, 6th क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास का करवाएंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। तीव्रता, तीव्रता में ही गति को हम मान सकते हैं। स्पीडली जब हम कुछ करवाते हैं तो वो समझ में बहुत कम आता है। ये कुछ फैक्टर थे जो अटेंशन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है रुचि। अब रुचि क्या है? रुचि अंग्रेजी शब्द इंटरेस्ट का हिंदी में रूपांतरण किया गया है, जो लैटिन भाषा के इंटरेस्ट से उत्पन्न हुआ है। अब इसमें कई बार पूछ लेता है कि जो लैटिन भाषा के शब्द से है या किस भाषा के शब्द से इंटरेस्ट, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू ड्रेवर ने क्या बोला है कि रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक पक्ष है, और किर्चन ने बोला है कि किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु से आत्मसात करना है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी ये एक्टिविटी हो रही है, हम उसमें रुचि का मतलब क्या करेंगे कि हम उसमें बिल्कुल घुल मिल जाएंगे, उसको आत्मसात कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो उसमें क्या है रुचि। अब रुचि के प्रकार बताए गए हैं, इसमें प्रकार बताए हैं कि 2 प्रकार के हैं, जन्मजात है, अर्जित है। जन्मजात में कैसे है कि खाने पीने में रुचि, ये तो हमें कोई नहीं सिखाता, छोटे बच्चे को भी कोई नहीं सिखाता, वो अपने आप सीख लेता है, उसको पता है भूख लगी है तो उसकी रुचि है। अर्जित क्या है? जो हम अपनी सोसाइटी में जन्म के बाद, इस संसार में आने के बाद सीखते हैं, जैसे गाना बजाना है या कोई एक्टिविटी है, पढ़ना है, वो सब हम यहाँ पर आने के बाद सीखते हैं। अब है रुचि और अवधान में क्या संबंध है। रुचि मतलब इंटरेस्ट और अटेंशन में संबंध है। अवधान के लिए रुचि आवश्यक है। मतलब क्या है? अगर किसी भी चीज़ में अटेंशन चाहिए है, ध्यान चाहिए है, तो उसके लिए किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। रुचि ध्यान पर निर्भर है, ये भी ठीक है। अगर रुचि है तो ही ध्यान लगाएगा कोई बच्चा। रुचि व ध्यान ही एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है, ये भी बात को आपको पता है। अगर रुचि है तो ही ध्यान होगा, मतलब इंटरेस्ट है तो ही अटेंशन होगी, अगर अटेंशन होगी तो ही इंटरेस्ट होगा, तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नेक्स्ट है स्मृति, मेमोरी। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें इनको एक बार रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। मेमोरी के बारे में है। मेमोरी या स्मरण, इसको इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी अर्थ में स्मृति का अर्थ है, मतलब कि मेमोरी या स्मृति का क्या अर्थ है, याद करना कि हमारी मेमोरी पावर कितनी है। जैसे हम नॉर्मली डेली लाइफ है जो अपने उसमें रूटीन में बोलते हैं कि मेरी मेमोरी तो बहुत कम है, मुझे तो याद ही नहीं रहता, किसी को ऐसे होता है कि 2 मिनट में कुछ याद हो जाता है, तो इसमें बताया गया है कि याद रखना ही मेमोरी है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, वुडवर्थ ने क्या बताया है कि पूर्व में सीखी गई बातों को याद रखना ही स्मृति है, जो हमने पहले से सीख ली है वो अपने माइंड में रखना ही मेमोरी है। इसको कॉन्शियस अनकॉन्शियस किसी भी माइंड में की जिक्र नहीं किया गया, लेकिन स्टोरेज होना ही मेमोरी है। और स्टाउट ने क्या बताया है कि मेमोरी एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब कि है रिपीटेशन, रिपीटेशन तो होगी, अगर हमें मेमोरी है हमारी, मतलब कि याददाश्त है, तो हम पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तो वो मेमोरी कैसी हुई। अब है जो मेमोरी के टाइप हैं, मेन 2 ही बताए गए हैं लेकिन बहुत सारे टाइप हैं। क्या बताए गए हैं? अल्पकालिक और दीर्घकालिक। जो बहुत कम समय के लिए रही उसको अल्पकालिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या बोलेंगे, दीर्घकालिक, जो लंबे समय तक हमें याद रहती है।
अब है स्मृति या मेमोरी के अंग। हम कैसे सीखते, पहले सबसे पहले होता है सीखना। हमने कोई चीज़ सीखी, फिर हम उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, मतलब कि याद रखते हैं, फिर पुनः स्मरण। कोई भी हमें अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है कुछ, कोई भी स्टेज हमें याद करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने याद किया और हमने उसको अप्लाई किया। ये चार स्टेजेज अगर हैं तो ही हम उसको मेमोरी बोलेंगे। अगर मान लो टाइम पे कोई चीज़ याद ही नहीं आई तो हम उसको मेमोरी नहीं बोल सकते। जो मेमोरी के अंतर्गत तो होने वाली कुछ इसमें क्रियाएं हैं, कुछ एक्टिविटी हैं, वो क्या होनी चाहिए? मेमोरी के में तत्परता का मतलब कि ये है कि तत्पर होना चाहिए, उसी टाइम याद आए। जैसे बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम हॉल में तो उनको समझ नहीं आया, याद नहीं आया, घर आने के बाद याद आता है, तो उस मेमोरी का कोई फायदा नहीं है। तत्परता होनी बहुत ज़रूरी है। चिंतन होता है उसमें, इसमें थिंकिंग पावर तो ही होती है। अगर सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं तभी हमें कुछ ही याद आता है। अवधान ध्यान की भी जरूरत होती है इसमें। सीखने की पुनरावृत्ति का क्या मतलब है कि जो चीज़ हमने एक बार सीखी है उसको हम दोबारा से रिपीट करें, उसको ही क्या बोलेंगे, मेमोरी या स्मृति। अब हम मेन हमने दो टाइप पढ़े थे इसके, कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक, लेकिन अब हम इसको जो है डिटेल से उसको पढ़ेंगे, इसकी मेमोरी के टाइप। सबसे पहले है सेंसरी मेमोरी, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके बाद है वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या आएगा, सबसे पहले देखेंगे हम सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में कुछ सेकंड के लिए हमें कुछ याद होता है, जैसे हमारी आंखों के आगे से कोई गाड़ी गई या उसमें उसकी नंबर प्लेट है तो हमें कुछ ध्यान रहता है कि हाँ इसका ये नंबर था, या फिर उसका जो छोटा होता है, या ये MP की है, UP की है, हरियाणा की है, या दिल्ली की, उसकी जो वर्डिंग होती है उसको हम देख कर बिल्कुल थोड़े समय के लिए हम देखते हैं कि ये हमें याद है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें इसके फिर दो टाइप हैं, आइकॉनिक, प्रतिचित्रात्मक और प्रतिध्वनिक। मतलब छोटी सी साउंड अगर हमें याद होती है, मान लिया हम रोड से जा रहे हैं तो कोई हमें साउंड या हॉर्न सुनाई दिया तो हमें पता है कि ये किसका है, तो हम भूल जाते हैं फिर उसको। इसमें नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत से में सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोरेज होती है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है कि घोषणात्मक स्मृति या तथ्य स्मृति और अघोषणात्मक या प्रक्रियात्मक स्मृति एक डिक्लेरेटिव होती है, जो पहले से डिक्लेयर होती है, फैक्ट मेमोरी होती है, या फिर नॉन डिक्लेरेटिव होती है। तो अब इसमें क्या है, जो डिक्लेरेटिव होती है उसमें फिर दो टाइप की होती है, एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी। इसमें क्या है, जो एपिसोडिक है, मान लिया हमारी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसी घटना होती है कि जो हमें याद रहती है। मान लो हम कहीं से कहीं जा रहे हैं तो हमने एक रोड एक्सीडेंट देख लिया, तो वो इतना डेंजरस था कि उसकी इमेज हमारे माइंड के अंदर रहती है, हम उसको भूल नहीं पाते लॉन्ग टर्म के लिए। और सिमेंटिक क्या है कि कोई भी ऐसी घटना जिसको जो एक मीनिंगफुल होती है हमारे साथ होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक एपिसोड में हो, लेकिन वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। तो आप इसको एक बार देखना कि मेमोरी के ये टाइप हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है कि कोई इंसान या कोई छोटा बच्चा स्कूल से घर आ रहा था तो उसने देखा कि एक रोड एक्सीडेंट हो रखा है, तो वो कुछ बहुत समय के लिए उसको वो भूल नहीं पाता, तो वो मेमोरी का कौन सा पार्ट है? सेंसरी मेमोरी तो नहीं बोल पाएंगे, सेंसरी मेमोरी तो मैक्सिमम 30 सेकंड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी नहीं। अगर एक ट्रोमा टाइप है, अगर बच्चे को ज़्यादा सीरियसनेस देखते हैं तो उसमें क्या होगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बच्चे की होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो इसमें पूछना। अब स्मृति भी हमने पढ़ लिया, मतलब कि मेमोरी। अब मेमोरी है, अगर याददाश्त है तो वो भूलना भी होगा, उसको क्या बोलेंगे, विस्मृति। विस्मृति का अर्थ है भूल जाना, हमें हर बात तो कोई याद नहीं रहती, कुछ टाइम के लिए हम उसको भूल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मन, सीखी हुई बातों को स्मरण या ध्यान न कर पाना ही विस्मृति है।
तो मतलब कि उसको हम भूल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेड, विस्मृति वह क्रिया है जिसके द्वारा हम दुख अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। मान लिया को फ्रेड ने क्या, हम अच्छी चीज़ों को तो भूलना ही नहीं चाहते, जो बुरी चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं उन चीज़ों को हम भूलना चाहते हैं, ऐसा किसने बोला है? फ्रेड ने। अब है एमिंग हांस ने क्या बताया है कि 20 मिनट कुछ भी जब हम याद करते हैं तो 20 मिनट बाद हमें उसका 72% ही याद रहता है, और 1 घंटे बाद 44% याद रहता है, 6 दिन बाद 36% याद रख पाते हैं कोई भी इंसान, और 1 महीने बाद 21% याद रहता है। तो इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बार बार उसको रिकॉल करते रहो। अगर बार बार रिकॉल करेंगे, याद करेंगे उस चीज़ को, तो हमारी मेमोरी पावर बनी रहती है, हम भूलते नहीं हैं। अब विस्मृति और भूलने के कारक प्रकार क्या क्या है? सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय मतलब एक्टिव कौन सा होगा कि जब जो भी इंसान जानबूझकर कुछ भूलना चाहता है, मान लिया कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, हम उस चीज़ को भुलाते हैं, भुलाना चाहते हैं, तो हम किसी और काम में लगेंगे, और एक्टिविटी करेंगे, वो सक्रिय मतलब कि जानबूझकर जो किया जाता है। निष्क्रिय जो अपने आप हम भूल जाते हैं, अपने आप भूलने में जैसे एग्जांपल है कि जैसे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम अपने आप भूल जाते हैं, कोई भूलना तो नहीं चाहता ना, लेकिन वो भूल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको बोलेंगे हम निष्क्रिय विस्मृति, भूलना। आई होप आपको ये भी स्मृति और विस्मृति में डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको इन 3-4 टॉपिक जो करवाए हैं अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।